दोस्तों मेरा प्याज मेरा लाल हो गया है, अभी सब्जी इसमें डाल देते हैं, धोधा के रखे थे। दोस्तों कई कमेंट आता था कि हमारा मतलब उस्ताद के विषय में कि आपका उस्ताद कौन था है। तो दोस्तों मेरा उस्ताद जो है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों रात में तो हम लोग देखे थे कि हम लोग सो गए थे वहाँ पे महागाँव में, महागाँव के पीछे पड़ता हूँ, तो वहाँ से चले 4 बजे सुबह उठ के, तो यही अभी 10 बज रहा है, हम नांदेड़ आ गए हैं। नांदेड़ का आगे जो गुरुद्वारा है, जो हम ड्राइवर भाइयों लोग के लिए ही है, वो बाबा जी के यहाँ नहा धोवा के यहाँ सब फ्रेश हो गए, अपना प्रसादा वगैरह जो भी था वो भी खा लिया अपना। अब निकलना कोशिश है दोस्तों कि कल मतलब सांगली पहुँच के खाली करने के लिए, कल पहुँचना है हमको, तो देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। हमने रात में, आज भी रात में गाड़ी चलाना पड़ जाएगा, कल तो नहीं चला लेकिन आज नहा धोवा के फ्रेश है, आज वैसा कुछ नहीं है, इधर रास्ता भी सही है। तो ठीक है दोस्तों, अभी निकलने की तैयारी में हम लोग हैं, निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों गुरुद्वारा से चले तो काफ़ी देर हो गया, अभी मतलब कुछ ख़राब रोड वगैरह सब पार कर लिए हैं, अभी अच्छा रोड आ ही गया है, चल रहा है अच्छा रोड में। दोस्तों कई कमेंट आता था कि हमारा मतलब उस्ताद के विषय में कि आपका उस्ताद कौन था, कहाँ के थे। सही बात है, हम उस्ताद के लिए तो पहले भी बहुत बताए हुए हैं, लेकिन अब जो नए नए जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को नहीं पता। तो दोस्तों मेरा उस्ताद जो है महाराष्ट्र से ही था, एक मराठी था राजू बोल के, नागपुर में, हम नागपुर में ही ड्राइविंग सीखे थे, तो वो राजू बोल के था, लेकिन अभी वो कहाँ है क्या है उसका कुछ खबर नहीं है हमको, क्योंकि नागपुर में हम साथ में थे, कंपनी था तो उसी कंपनी में थे हम लोग, तो उसी में जो पहले था DTC बोल के कंपनी था, नाम ले लेते हैं नहीं तो फिर कमेंट आ जाएगा कि कंपनी कौन सा था। तो दोस्तों वही DTC बोल के कंपनी था, उसी में थे हम लोग, टेका नाका में, तो वही सब ड्राइवर थे। तो मतलब मेरे पीछे एक राजू मराठी था, एक और भी उसका भी नाम राजू था, दोनों ही महाराष्ट्र से था, तो नागपुर का कंपनी था, तो जान में कहते हैं ड्राइवर रहता ही है महाराष्ट्र के ही, और कुछ था मतलब रामगढ़ का, वही लोग सिखाया है दोस्तों। और मेरे पीछे मतलब मेरा काम के प्रति, लोग सही बताते हैं कि आदमी को चेहरा नहीं काम पसंद है, तो मेरे काम मतलब आप लोग जानते हैं कि हम पहले मिस्त्री भी थे, तो हम काम इतना करते थे गाड़ी में कि लोग हमको इतना पसंद करता था, लोग एक दूसरे को आपस में लड़ाई करता था। उस समय सेकेंडरी का टाइम था, सेकेंडरी में चलता था गाड़ी में सेकंड ड्राइवर, तो बोलता था कि तो क्यों भाई तू इसको देता है सेकेंडरी की, मैं दूं, ऐसे करके पहले बात होता था। दोस्तों यही मेरा काम के प्रति, और हम मतलब ड्राइवर लोग कहीं बैठता था जब होटल वगैरह में या कोई ऑफिस में, तो हम जाकर नहीं बैठते थे लोग साथ में, क्योंकि कुछ ड्राइवर था वैसा जो मेरा मजाक भी उड़ा देता था कि अच्छा खासा मिस्त्री था क्यों आ गया गाड़ी लाइन में, इस टाइप का मजाक भी उड़ाता था। तो दोस्तों यही चीज़ था, मेरा जो उस्ताद जो था बता दिए कि राजू बोल के था, महाराष्ट्र से नागपुर से था वो, अभी कहाँ है क्या है ये तो पता नहीं क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है। और जानबे करते हैं, ये तो मतलब एक जैसे बोलते ना पंछी का बसेरा, वो चीज़ है कि मेरे भी पास कई खलासी आया, कहाँ कहाँ सब गाड़ी चला रहा है, ड्राइवरी कर रहा है, उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, अब तो खैर मोबाइल हो गया है, जो मेरे नज़दीक का है उससे तो मुलाकात होता है, सब पता चलता है, और जो बाहर का था वो तो कहाँ है क्या है कुछ पता नहीं। उसी टाइप का हम भी अपना उस्ताद के विषय नहीं रिपोर्ट रख सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि कहाँ है क्या है। दोस्तों सही में काम ही सब चीज़ होता है, काम ही सबको प्यारा होता है। हम मेरा काम लोगों को इतना प्यारा लगता था गाड़ी में, जो कि मतलब काम के प्रति लोग इतना हमको जोर देता था, मालिक से लोग ढूंढता था कि हमको गाड़ी मिले, मालिक हमको ज़बरदस्ती गाड़ी देता था। तो कई जैसे मेरा ग्रुप में था कुछ सिवनी का ड्राइवर लोग था, वो लोग सेठ को बोलता था कि उस्ताद मेरे को फर्स्ट ही होना, तो सेठ बोलता भाई पहले सेकंडरी तो ठीक से कर ले। तो बरसात में हम लोग को मिलता था मौका, क्योंकि बरसात में बहुत अच्छा अच्छा ड्राइवर जो था सीनियर लोग, वो लोग जानता कि बरसात में ट्रिप लगता नहीं है, सब पंजाब भाग गया, कोई कहाँ चला गया, बोलता यार रास्ता में जाम जुम लगता है, बारिश में माल भीगता है, रसद पार का लफड़ा है, वो लोग चला जाता था। हम लोग को सेकेंड ड्राइवर हम लोग थे, हम लोगों को चांस मिल जाता था, तो जिसको इसको चांस मिला बरसात में अच्छा खासा चला लिया तो पास हो गया, और जो नहीं चला पाया गाड़ी कहीं फंसा दिया, कहीं माल भिगा दिया, भाड़ा कटा दिया, तो फिर वो फेल हो गया। वो फिर जब ड्राइवर वापसी आएगा तो सेठ देख लेगा कि कौन बरसात में सक्सेस रहा
कौन फेल हुआ, वो सोचिए कि एग्जाम था हम लोग के लिए। तो वो हम देख करके बहुत डरते थे कि भाई जब आने के बाद, जब फिर से सेकेंडरी में आने के बाद लोग मजाक उड़ाता था, क्यों भाई हो गया फर्स्ट ही कर लिया ऐसा ऐसा, लोग मजाक उड़ाते होटल में। तो हमको ये सब अच्छा नहीं लगता था। तो हम बोलते भाई भगवान से भी मांगे थे कि भगवान हमको भी मतलब आगे बढ़ाना है, पीछे मुड़कर मत देखना, भले साल भर दो साल और हम कनेक्टिंग कर लेंगे। लेकिन उसी जगह सेठ हमको बहुत जबरदस्ती कर रहा था, तो हम सेठ को मना करते करते फिर लास्ट में एक बार ठान लिए। 26 जनवरी का दिन था, हमको ये दिन हमको याद है, 26 जनवरी का दिन था, झंडा फहर रहा था, उसी दिन से मेरा फर्स्ट ही। सेठ को बोल दिया हाँ ठीक है आज से हम करेंगे। दोस्तों शाम के 4 बजे है और गुरुद्वारा चल के रुके हैं अभी, तो सफ़र थोड़ा खींचना पड़ रहा है, रोड इधर सही है इसलिए सफ़र खिंचा जाता है। तो हमारा शाम में चाय पीने का टाइम हो गया, कोई चाय और पार्ले बिस्कुट अभी हम लोग का चल रहा है। तो आज रात में जाना है, मतलब फिर भी सोलापुर वगैरह जो है ये सब तो पार कर लेंगे, सांगोला ही पार करने को विचार में है, कल मतलब खाली करने की प्लानिंग में है अभी। देखिए दोस्तों अभी तो साफ सफाई कर रहे हैं, देखिए रात को दाग हो जाता है तो अभी दोस्तों साफ कर रहे हैं, तो लेकिन थोड़ा साफ रखना पड़ता है, लक्ष्मी है तो लक्ष्मी मान के रखना पड़ता है। दोस्तों रात के अभी 8 बज गया है, तो आए हुए हैं पुलटेक्स है, पुलटेक्स पार किए हैं, लातूर के पहले ही अभी हम लोग हैं, तो पुलटेक्स वगैरह पार किए हैं, तो सोच रहे खाना उन्हें यहीं बना लें। बहुत सा गाड़ी बना रहा है और सब भी गाड़ी रुका हुआ है, सब बना रहा है, हम लोग भी बना लेते हैं, टाइम है। क्योंकि माल मेरा जो दिया है वो सांगोला से 30 किलोमीटर आगे है, 30 किलोमीटर आगे जाना है, वहीं का माल है, तो कोल्हापुर वगैरह का है नहीं जितना टेंशन रखेंगे, तो पहुंच ही जाना है सुबह। दोस्तों वो सांगोला के आगे सिडोल बोल के कोई जगह है, वहीं का बोला है, हम वहीं पे आने के लिए पार्टी बोला है, सिडोल ऐसे करके नाम है जगह का, तो वहीं पे आना है हमको, तो पहुंच ही जाएंगे हम लोग आज रात में, गाड़ी उड़ी चलेगा पहुँच ही जाएंगे दोस्तों। इधर खाना बना ले रहे हम लोग, ठीक है दोस्तों जा रहे हैं खाना बनवाने के लिए, हम भी जा रहे सब्जी बनाएंगे अभी। दोस्तों आज हमारे गाड़ी में बनने जा रहा है सीन, ये सीन नया सब्जी आया है, थोड़ा ताज़ा दिखा था तो ले लिए थे, सीम आलू और थोड़ा बैंगन डाले है इसमें, थोड़ा सा बैंगन भी है, सीम है, आलू है, यही सब। आज मतलब क्या है कि नया नया सब्जी जब आने लगता है ना आदमी को मन करता है, जैसे अभी मटर छिमी देखे हम, मटर जो बोलते हैं लोग वो देखे नागपुर में, कहीं 80 रुपये किलो, कहीं मिल रहा है 120 रुपये किलो, तब नया नया सब्जी आना शुरू हो गया दोस्तों। ठीक है आज बनाते हैं सीम, दोस्तों मेरा प्याज मेरा लाल हो गया है, अभी सब्जी इसमें डाल देते हैं, धोधा के रखे थे, धोने के बाद ही अब इसको डाल रहे हैं इसमें, इसको अच्छी तरह से इसको चलाएंगे, तरी तो बनाना नहीं है, रोटी सब खाना है। दोस्तों मेरा लगभग सब्जी जो है थोड़ा भुन चुका है, अब इसे थोड़ा मसाला डाल देते हैं, इससे भी भुंजाते रहेगा, हल्का ही मसाला डालना है। ये थोड़ा जीरा गोलकी धनिया अपना सब्जी मसाला थोड़ा हल्दी हल्का ही हल्का डालते हैं, ज़्यादा नहीं, भुजिया टाइप का बनाना है, जगह नहीं है जहाँ तहाँ रखें थोड़ा सब्जी मसाला को, थोड़ा मिला लेते हैं इसमें, इसमें हल्का सा पानी डालेंगे। दोस्तों ये रोटी के लिए बन रहा है, थोड़ा सूखा ही बनेगा, और चावल के लिए रहता है थोड़ा तरी वाला बनता, अलग अलग बनाना पड़ता है तरी हिसाब से,
अभी तो मसाला ही भूज रहे अभी हम। दोस्तों आज हम लोग होटल में खाना खाने जाते हैं तो 400-500 रुपया का बिल होता है कोई भी होटल में। महाराष्ट्र में थोड़ा ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा कम है, झारखंड में थोड़ा और कम है, ऐसी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 50 रुपये फ़र्क पड़ता है। और एक समय था कि मेरे पिताजी जो है 500 रुपया भेजते थे तो पूरा परिवार खाते थे उसमें, मैंने 500 रुपया उसको मनी ऑर्डर बोलते थे, 500 रुपया मनी ऑर्डर जाता था मेरे घर में। तो हम लोग 3 भाई, 1 बहन, माँ, सब खाते थे उसमें, ये पूरा मतलब 1.5 महीना। तो सोचिए एक समय था कि 500 रुपया हम एक महीना खाते थे, एक महीना ज़्यादा ही खाते थे, और एक समय है कि 500 रुपया हम सिर्फ एक टाइम खाना खा रहे हैं। हम महंगाई कहाँ पहुँच गया। इसीलिए दोस्तों खाना हम अपना खलासी टाइम में खाना नहीं बनाए थे उतना, मतलब जानते ही नहीं थे हम। ड्राइवरी में आने के बाद ये खाना का तौर तरीका सीखे हैं। तो खलासीपना में कभी काल शौकीन तब ड्राइवर मिल लिए तो चलो भाई ले लेते हैं, तो किसके गाड़ी में हंडी है, किसी गाड़ी में स्टॉप है, किसी गाड़ी में, यही सब ढूंढना पड़ता था, सब मिला जुला के होता था, नहीं तो नहीं भी होता था। उधर है मेरे गाड़ी में हंडी पड़ा हुआ है देख लेना, तो मेरे गाड़ी में स्टॉप है देना, जलता ही नहीं जलता, इस टाइप का होता था। तो गाड़ी में खाना नहीं बनाते थे हम लोग, तो हम लोग उस समय 30-25 रुपये में ड्राइवर क्लास खाना खा लेते थे, 25-30 रुपये में खाना हो जाता था। अगर 40 रुपये हो गया तो टेंशन कि क्या ज़्यादा खा लिए या होटल वाला क्या ज़्यादा बिल जोड़ दिया, मैंने 25-30 रुपये तक में हम लोग का ड्राइवर क्लासिक हो जाता था एक टाइम में। लेकिन अभी देखिए खाना खाने जाए ड्राइवर क्लासिक खाएगा तो कम से कम तो 200 से ऊपर। महंगाई बढ़ा है तो लोगों का तनख्वाह ही बढ़ा है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ महंगाई के विषय बोलेंगे हम। एक समय था कि लोगों का तनख्वाह 500, 700, 800, 1000 से पार नहीं होता था, पर आज देखिए 12,000, 13,000, 15,000 सब बराबरी चल रहा है। सिर्फ सरकार को दोष देना ठीक नहीं है कि तनख्वाह महंगाई हो गया। दोस्तों रात का 9 बज गया और हमारा खाना बन चुका है, हम लोग चले खाने के लिए। ये हमारा आज सीम बना है, ये देखिए ऐसे ही सूखा सब्जी रोटी के साथ अच्छा लगता है। दोस्तों रात में तो आज गाड़ी चलाना पड़ेगा, कल खाली करना है हम लोगों को। ठीक है दोस्तों पहले खाना खाते फिर रात में चलते हैं आज। दोस्तों रात का भी 2 बज गया, हम लोग करीब सांगुला ये सोलापुर पार कर गए और आपको मंगल बेड़ा के आसपास में है। तो यहीं पर सोच रहे हैं कि अभी 2 घंटा सो लेते हैं, 2-3 घंटा सो लेते हैं, काफ़ी सफ़र कट गया अभी तो साफी का मतलब दिक्कत नहीं है। ऐसे उम्मीद है कि हम लोग 9-10 बजे तक पहुँच ही जाएंगे वहाँ पार्टी के पास, तो इसलिए अभी रात के 2 भी बज गया तो सो लेते हैं 2-3 घंटा, यहाँ पर टायर भी ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा नींद भी पूरा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों यहीं पे सोते हैं अभी, फिर 4 बजे उठ के चलेंगे यहाँ से, 4-5 बजे उठ के चलेंगे। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।